संजय पद की स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, सुर दिमाग में आते हैं, गाना दिमाग में आता है, दिमाग से गले पे आता है, गले से बाहर निकलता है, गले में नहीं होता है, गले में खाली साउंड बॉक्स होता है। अगर मैं बोलूं आपके सामने, मेरी आवाज रुकी नहीं है, मतलब मेरा बोलना शुरू है लेकिन आपके तरफ पहुंचा नहीं, क्योंकि मैंने अभी अपना साउंड बॉक्स का उपयोग अभी, लेकिन मेरे शब्द निकल रहे हैं, शब्द जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये बात यानी कंठ नहीं रहने के बाद में भी आदमी बोल सकता है। बस फर्क इतना होता है कि आपके कान तक वो साउंड बॉक्स ना रहते हुए न रहने के कारण आपके कान के तक पहुंचता नहीं है, और वो पहुंचता नहीं है इसलिए शब्द निकलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो शब्द कहां से निकलते हैं, तो शब्द साउंड बॉक्स से आपके कान तक पहुंचते, इतना ही काम वोकल कॉर्ड का है। यहां शब्द आते नहीं है, शब्द यहां आते, मैं बार बार बोलता हूं, गाना गले में है, गले में गंधार है, गले में अंधार है, ये सब चीजें चलती है। मैं तो बोलता ना, गले में गंधार तो ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बड़े बड़े लोगों ने बोला है, लेकिन गले में अंधार है, डार्कनेस है, बिल्कुल काला है अंदर से, जाके जाके देखो जब काला ही नजर आएगा, अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पे कहां देखेंगे। गाना जब गाते हो तो गला उसका माध्यम है बाहर निकालने का। आपको रियाज गले की करना जरूरी, क्योंकि वो हाथ में चाहिए, कंट्रोल में चाहिए, गले के ऊपर वो घोट, देखो आपको बोलता हूं सुर कैसा लगना चाहिए, लोग बोलते कोई नाक से लगता है, ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कहां से लगता है, नाक से नहीं लगता, ये मैं बोलता हूं। आवाज का टोनल क्वालिटी हंकार से आपके ऊपर से, गंगा जैसी बहती है ऊपर से, पानी जैसे ऊपर से आता है, शेर की दहाड़ ऊपर से आती है, घोड़े का हिनहिनाना ऊपर से आता है, वैसे अवरोही रियाज भी सुबह प्रातः काल में उठ के जरा करते हो तो आपका भी टोन हंकार से नीचे आ सकता है। आपको अतः मैं ये बोलता हूं कि आपको हंकार करना ही चाहिए, क्योंकि एक मेव 26 वर्णाक्षरों में एक ही अक्षर ऐसा है कि जो नाभि से उठ के आपको हां 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 हंकार की सही रियाजी है। आप कीजिए, सुर ब्रेन में रखिए, सामने हां बोलिए, प पे हां बोलिए, म पे हां बोलिए, ग पे हां बोलिए, रे पे हां बोलिए, सब जगह कीजिए हंकार, नोमतोम, यही आपके सपने पूरे कर सकते। और आप, मैं तो ये बोलता हूं कि देखो हाथ गंगन को फारसी क्या भैया, और आगे तो पता है पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आप खुद आजमा के देखिए कि मैं बोलता हूं कि ये करो, पतकी बोलता है करके मत करो, पतकी तो कुछ भी बोलेगा, बोलते हैं ना पतकी कुछ भी बोलता है, लेकिन पतकी ने खुद आजमाया हुआ है 40-45 साल से। मेरे कई सारे स्टूडेंट जो है, आप कमेंट भी पढ़ते हो, उसमें किसको फायदा हो गया, और आपको अगर फायदा हो रहा है तो भैया क्या फर्क पड़ता है, आप कर लीजिए ना। जैसे लॉटरी लगा के हमको पैसे अगर मिल रहे, जब शेयर मार्केट में डाल के फायदा अगर हो रहा है तो कौन नहीं जाएगा भैया शेयर मार्केट में, जब कम समय में बहुत अधिक प्राप्त होने वाली अगर विधि आपको पता लगती तो उसमें क्या अर्ज है। ये तो जिंदगी तो चली जा रही है, बस जद्दोजहद में निकली जा रही है। मेरा यह मानना है, मेरा यह कहना है कि अगर शॉर्ट पीरियड में अगर तुमको बहुत सारा बेनिफिट मिलने के चांसेस इस अगर गायकी में है तो शायद ही आप इसको नकार दोगे। अगर आपको करना है तो आप आजमा के देखिए खुद के ऊपर, और देखिए क्या आपको फर्क पड़ेगा।